हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉली स्टाइल और मैं हूं पूजा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा प्रोडक्ट के रिव्यू लेके आई हूं, जो रिव्यू देखने के बाद आप मुझे मीन्स बहुत 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 सारा थैंक्स देंगे। ऐसा कौन सा एक प्रोडक्ट है, गेस कीजिए। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको प्रोडक्ट। ये देखिए प्रोडक्ट, नेचर श्योर के जोंक तेल। देखिए बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे, देखिए दीदी ऐसा है कोई ऑयल दिखाइए जो हेयर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसके एक वन शॉट सोल्यूशन है, सभी प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाए, बहुत ही अफोर्डेबल होना चाहिए। तो वो सोच के मैं आज ये जो ऑयल के रिव्यू है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ऑयल के जितने भी गुड प्रॉपर्टीज, बेनिफिट्स, जो गुड रिजल्ट्स है वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसके लिए मुझे लगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए ज़रूर बननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए, सबसे पहले सबसे जल्दी हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के अपडेट मिलने के लिए। और अगर ऑलरेडी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। अभी मैं आज आपको बताऊंगी कि ये जो नेचर श्योर के जो जोंक ऑयल जो है, यानी कि लीच ऑयल, ये कैसे यूज़ करना है, क्या है। पहले मैं इसके पैकेजिंग के बारे में बात करती हूँ। ये देखिए पैकेजिंग, ये है 110 ml के और इसके प्राइस जो है वो है 239 rupees और इसके जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 years के। इसके जो ऑनलाइन परचेसिंग का लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी। आप नेचर श्योर के ऑफिशियल वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, इसके अलावा आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी ये ईजिली अवेलेबल है। इसके जो अंदर के जो कंटेनर है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए प्लास्टिक बॉटल पे है, तो गिरेगा तो टूटने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अभी इसके जो मेन जो पॉइंट है, लीच एक थेरापी है। कैसे थेरापी है वो मैं बताती हूँ, ये कोई नए थेरापी नहीं है, शायद ये हम लोग नए नए सुन रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पुरातन दिन से आ रहे हैं, ये एंशियंट टाइम से आ रहे हैं। जैसे मीन्स यूरोपियन महारानी जो है क्लियोपेट्रा, उनके ब्यूटी टिप्स में, ब्यूटी हैक्स में ये जो लीच थेरापी जो है ये यूज़ होते थे। लीच यानी कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये लीच को हमारे सर पर छोड़ना है, ये ऐसा नहीं है। लीच के जो सलाइवा है वो कलेक्ट करके ये ऑयल बने जाते हैं। लीच हमारे बॉडी से जो ब्लड है उसको सक करते हैं। ब्लड सक करने से क्या होता है, वो एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और उधर के जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होना, वापस रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए ये जो थेरेपी है ये नेचर श्योर कंपनी ने ये ऑयल का हेयर रीग्रोथ के लिए स्टार्ट किए हैं, क्योंकि लीच के जो सलाइवा है वो हमारे हेयर पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो उधर रीग्रोथ, हेयर के रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अगर डैंड्रफ के इश्यूज है, स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन के इश्यूज है, हेयर बिल्कुल भी पतले है, तो ये ऑयल जो है आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। ये देखिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे के ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो कंपनी है ये वेट एंड ड्राई पर्सनल केयर द्वारा मार्केटेड है और GMP द्वारा सर्टिफाइड है। और ये नेचर श्योर के जितने भी प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो डरने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, 100% सेफ प्रोडक्ट है। अभी मैं इसके कलर के बात करूंगी। इसके जो कलर है थोड़ा सा येलो कलर के, लेकिन ट्रांसपेरेंट है। और इसकी स्मेल जो है थोड़ी सी कड़क है फ्रेंड्स, लेकिन आपके हेयर आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इतना सा स्मेल ऐसा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। और जब ये आप मसाज करेंगे, अभी कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये आपको बेड टाइम में 15 minutes तक अच्छे से आपके स्कैल्प पे, हेयर रूट पे अच्छे से अप्लाई करना है आपके फिंगर टिप से। और इसके साथ साथ मैं और एक टिप्स देना चाहूँगी। मुझे ज़्यादातर मैं देखती हूँ ऑयल मसाजिंग मतलब सिर्फ हेयर रूट पे मसाज होता है, लेकिन मेरा ये सजेशन है आप हेयर लेंथ पे भी ज़रूर मसाज कीजिए, क्योंकि आप हेयर लेंथ पे मसाज नहीं करेंगे तो उधर ड्राई हो जाएगा और आपके स्प्लिट हेयर का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएगा। पैकेजिंग में क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा वो एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ। हेल्प्स प्रिवेंट्स हेयर लॉस, नरिशेस हेयर एंड स्कैल्प, प्रोमोट्स फास्टर हेयर रीग्रोथ, फाइट्स डैंड्रफ एंड फंगस, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। अभी मैं थोड़ा सा ऑयल मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल लिए है, ये मैं अभी सिर्फ मेरे लेंथ पे जो है अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मेरे ऐसे हेयर लेंथ जो है वो बहुत ही पतले थे, लेकिन ये ऑयल यूज़ करने के बाद ये में मुझे थोड़ा डेंसिटी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है हेयर के। तो मेरे यही सजेशन है, ये मैंने देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही ईजिली हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा थिक है, एकदम गाढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए
आपको ऐसे, मैंने अभी सिर्फ मैंने लेंथ पे दिखाया आपको, ऐसे पूरा हेड पे आपको सिर पे अप्लाई करना है और हेयर रूट पे तो बहुत ही अच्छे से आपको मसाज करना है। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को, जिनको हेयर रिलेटेड कुछ भी मान लीजिए, मेनली तो ये हेयर रिग्रोथ के लिए है, उसके साइड बाय साइड जितने भी प्रॉब्लम्स है, किसी को सेरोसिस जैसा प्रॉब्लम हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट हो जाते हैं, इचिंग एक्जिमा टाइप हो जाते हैं हेयर के स्कैल्प में, तो आप इजीली ये यूज़ कर सकते हो और आपको 100% बेनिफिट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स होपफुली ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत हेल्प में आएगा और आप ये ज़रूर आप परचेस कीजिए और यूज़ कीजिए, और उसके बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कितना जल्दी कितना अच्छा आपको बेनिफिट्स मिले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो बहुत ज़्यादा 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 इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे ये चैनल को। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।